लकड़ी की छत बनी हुई। अबुल फजल ने कहा था भाई साहब वहां जाने के लिए आपके पास पत्थर की टांगे होनी चाहिए। कैसी टांगे होनी चाहिए? मिनखों वाली टांगों से तो वहां आ जाए जाए निकल। घोड़ा कीजिए काठ कान, पग कीजिए पाषाण, कोई बख्तर कीजिए लोहे कौन, तब पहुंचे। क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ कहा जाता है। ये किला जब बनाया गया तो इसमें चूने का प्रयोग नहीं। किसका प्रयोग नहीं? चूने। क्योंकि चूने का प्रयोग करोगे तो फिर पानी लगेगा। क्या लगेगा? पानी। जैसलमेर में दो ही जगह था, या तो पाताल में या महिलाओं की आंखों में। इस किला तीसरी जगह वहां पानी। धरती आज जैसाणरी बढ़ती कदे न और। क्या जैसलमेर की धरती को भाटियों के अलावा और किसी ने कब्जा? धरती आज जैसा रही बढ़ती कदे ना और। पानी जठे पताल मर नारी नेणा कोर। पानी वहां दो ही जगह, या तो पताल मेर या नारी की आंखों के अंदर है। तो बाद में चूने का प्रयोग नहीं किया, सीधा मिट्टी का गारा बना कर उसके पत्थर चिपका लिए। देखो किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। देर इज नो यूज ऑफ लाइम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट। किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। देर इज नो यूज ऑफ लाइम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट। किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। देर इज नो यूज ऑफ लाइम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट। छत ना एक दो महल ऐसे हैं जिनकी लकड़ी की छत बनी हुई। लिखो इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। देर इज वुडन रूफ इन दिस फोर्ट। इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। देर इज वुडन रूफ इन दिस फोर्ट। इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। किसकी छत बनी हुई? लकड़ी की छत बनी हुई। अबुल फजल ने कहा था भाई साहब वहां जाने के लिए आपके पास पत्थर की टांगे होनी चाहिए। कैसी टांगे होनी चाहिए? मिनखों वाली टांगों से तो वहां आ जाए जाए निकल। घोड़ा कीजिए काठ कान, पग कीजिए पाषाण, कोई बख्तर कीजिए लोहे कौन, तब पहुंचे। आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें। घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा किसका बन जाए आपका? लकड़ी। पग कीजिए पाषाण, और पैर पग किसके बन जाए? पत्थर। पख्तर कीजिए लोहे का, कपड़े किसके बन जाए? लोहा। तब पहुंचे जैसाण, तब क्या आता है? बात भी सही है। बस में जाओ ना तो 2 घंटे 12 लगते हैं भाई साहब। रात को 7 बजे बैठो तो सुबह कितने बजे पहुंचते हो? अबुल फजल तो बापड़ा गए तो ऊंट पे गया होगा, हाथी पे गया होगा, और मुझे लगता है अकबर ने उसको दौड़ाया है पैदल कि दौड़ के जा देखे। इसलिए उसने कहा वहां जाने के लिए कैसी टांगे चाहिए, तो उसने कंबल कट के लिए कहा कि नीचे खड़े होकर ऊपर देखो, तो रणथंभौर के लिए कहा कि इसके ये किला कैसा है? बख्तरबंद। और जैसलमेर के लिए कहा कि कैसी टांगे चाहिए? देख लो अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक पहुंच सकती है। ओनली स्टोन लेग्स कैन रीच जैसलमेर। केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक पहुंच सकती है। ओनली स्टोन लेग्स कैन रीच जैसलमेर। केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक पहुंच सकती है। ओनली स्टोन लेग्स कैन रीच जैसलमेर। 2009 के आसपास ऐसी चर्चाएं थी कि किला गिर सकता है। पुराना किला है, लगा भी भाई 900 साल पुराना किला है, भर भर आके कभी भी गिर जाएगा। सरकार को कह रहा किला गिर रहा है ध्यान दो इस पे। सरकार ने ध्यान दिया और डाक टिकट जारी कर दिया। लिखो 2009 ईस्वी में, इन 2009 एडी, 2009 ईस्वी में, इन 2009 एडी, इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैंप वॉज इश्यूड ऑन दिस फोर्ट। इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैम्प वॉज इश्यूड ऑन दिस फोर्ट। इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैम्प वॉज इश्यूड ऑन दिस फोर्ट। तो मुझे याद है उस टाइम हम तैयारी नए नए करने लगे थे 2010 में, तो ये यूं बातें आती, किला गिर सकता है, किला गिर सकता है।
इस किले के बारे में एक दोहा है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अरगढ़ बीकानेर तो भलो चिनायो भाटियान सिरेगढ़ जैसलमेर। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, या तो गढ़ों में गढ़ दिल्ली एरिया कौन सा है, अरगढ़ बीकानेर, या गढ़ कौन सा है बीकानेर, भलो चिनायो भाटिया, या भाटियों ने अच्छा बनाया सिरेगढ़ जैसलमेर, सिरे पे जाके कौन सा गढ़ बनाया जैसल। तो हमारे एक दोस्त है वो बैठे बैठे इस दोहे को चेंज करते कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अरगढ़ बीकानेर को चंदो करो भाटियान दुड़े जैसलमेर कि भाटियों क्या कर लो संदा, जैसलमेर क्या होने वाला है, दुड़ने वाला है। पर भाई साहब जैसलमेर ना तो तब दुड़ा न कोई आगे, जिंदाबाद था जिंदाबाद है। ये चित्तौड़ के बाद राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है, लिखो, यह राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है।